आज हम लोग क्लास 11 पाठ समुच की विविध प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, तो इसमें लिखा निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। तो इसमें समुच्चय ए में दिया है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है यक्स इस प्रकार है कि यक्स एक वास्तविक संख्या है ना, रियल नंबर है, तथा यक्स स्क्वायर माइनस एट यक्स प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाले सभी वास्तविक संख्याएं यक्स। तो इसको हम पहले हल कर लेते हैं। तो इसमें यक्स ए की क्या अवयव है वो हमको पता चल जाएगा। तो इसको ज्ञात करते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस एट यक्स प्लस 12 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 6 × 12, 6 × 2 = 12 प्लस 12, ठीक ना। तो ये जगह यक्स माइनस 6 माइनस 2 यक्स माइनस 6 बराबर 0। तो इससे हो जाएगा यक्स माइनस 2 और यक्स माइनस 6 बराबर 0। तो हमको यक्स का मान क्या प्राप्त हुआ, 2 और 6 प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ लिख लेंगे ए में ये 2 अवयव प्राप्त हो गए, 2 और 6। और यहाँ B का क्या दिया है, B का दिया है 2, 4, 6। C में दिया है 2, 4, 6, 8 डैश डैश करके दिया है, इसका मतलब ये सम संख्याओं का समुच्चय दिया है। और D में केवल एक अवयव है, ठीक है। तो इसको एकल समुच्चय बोलते हैं जिसमें एक अवयव हो, सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो अब इसमें देखते हैं किसका कौन उपसमुच्चय है। देखिए डी के जो एक अवयव है, ये सी में भी एक अवयव उपस्थित है, बी में भी 6 उपस्थित है और ए में भी उपस्थित है। इस प्रकार डी उपसमुच्चय है ए का, डी उपसमुच्चय है बी का, डी उपसमुच्चय है सी का, ठीक ना। तो डी सबका उपसमुच्चय हो गया। अब देखिए ए का देखें तो ए यहाँ 2 और 6 दिया है और इसी के अवयव यहाँ 2, 6 यहाँ भी उपस्थित है और 2, 6 यहाँ भी उपस्थित है। तो इस प्रकार ए उपसमुच्चय है बी का और ए उपसमुच्चय है सी का, ये हो गया। अब देखिए बी में 3 अवयव हैं और सी में अनंत अवयव हैं, जिसके ये 2, 4, 6 हैं यहाँ सी में भी उपस्थित हैं। इस प्रकार बी उपसमुच्चय है सी का, ठीक ना। और सी का इन सबों में सी सबसे बड़ा, इनके सबसे अधिक अवयव हैं, तो ये किसी का उपसमुच्चय नहीं होगा। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 का हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में है, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है, यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए और यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। इसके अंतर्गत पहला दिखा हुआ है, यदि यक्स अवयव है ए का तथा ए अवयव है बी का तो यक्स अवयव है बी का, ये हमें सिद्ध करना है, क्या ये सत्य है कि असत्य है। तो देखिए यक्स एक अवयव है, यक्स अवयव है समुच ए का, हम यक्स बराबर 1 मान लेते हैं। तो इस प्रकार एक समुच ए में ये 1 और ये 2, हमने 2 अवयव ले लिया तो समुच ए ये हमको प्राप्त हो गया, ठीक ना। अब इसमें देखिए इसका क्या हो गया, यक्स अवयव है ए का, है ना, मतलब 1 अवयव है ए का, यक्स बराबर 1 ले लिया हमने। तो इस प्रकार यक्स में जो 2 अवयव हमने प्राप्त किया 1 और 2, तो इसके अंदर यक्स बराबर 1 है तो यहाँ 1 है हमारे पास उपस्थित। तो ये देखिए पहला हमने सही कर लिया कि यक्स अवयव है ए का, है ना। अब इसके बाद तथा लिखा है ए अवयव है बी का, तो हम एक बी समुच्चय लेंगे और जिसके अंतर्गत ए का जो भी है ये अवयव हम इसको एक अवयव के रूप में इसके अंदर लिखेंगे। तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक ना। तो B के अवयव देखिए क्या है, ये अवयव है 3 है और 4 है, तो A जो समुच था इसके अंदर एक अवयव का काम कर रहा है, तो लिखेंगे A अवयव है B का। अब देखिए इसमें देखना है कि क्या ये, अगर ये है तो हमको क्या यक्स अवयव है B का, तो
तो देखेंगे यक्स अवयव है बी का, तो यक्स क्या माने थे एक, तो यक्स क्या एक, एक क्या इसके अंदर अवयव है, एक क्या इसके अंदर अवयव है, तो देखिए एक इसके अंदर इसका बी का एक अवयव नहीं है, ठीक ना। अवयव कौन कौन सा है, चार है, तीन है और ये पूरा ये अवयव है, तो इस प्रकार एक अवयव नहीं है बी का, तो यक्स बराबर एक माने थे इसलिए हम एक को चेक कर रहे हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे कि यक्स अवयव नहीं है बी का, तो इस प्रकार ये असत्य हुआ, ठीक ना। देखिए इसमें यक्स अवयव है ए का हमने मानना था, यक्स अवयव है ए का, तो हमने यक्स को एक मान लिया, तो ये अभी हमने जो समुच्चय बनाया उसमें एक और दो ले लिया, इस प्रकार यक्स अवयव हो गया ए का, क्योंकि एक अवयव है ए के अंदर, ठीक ना। अब बोला है एक ए अवयव हो बी का, तो हमने एक बी एक ऐसा समुच्चय बनाया जिसके अंदर ए को पूरा अवयव की तरह बना लिया। देखिए इसके अंदर इस समुच्चय के अंदर ये एक अवयव का काम कर रहा है, ठीक ना, एक अवयव है और दो अवयव हमने और ले लिया, ठीक ना, तो तीन और चार ले लिया, तो इस प्रकार ए अवयव हो गया बी का। अब बोला है क्या यक्स अवयव है बी का, तो यक्स बराबर एक माने थे, तो एक क्या अवयव है बी का, तो इसके अंदर देखिए ये ना ये पूरा अवयव ये है पूरा अवयव, एक अवयव नहीं है, तो इस प्रकार एक बी का अवयव नहीं है, मतलब यक्स बी का अवयव नहीं है, इस प्रकार ये असत्य हो गया। देखिए अब दूसरा भाग में लिखा है यदि ए उपसमुच्चय है बी का तथा बी अवयव है सी का, तो ए अवयव हो सी का, ठीक ना। ए उपसमुच्चय है बी का तथा बी अवयव है सी का और ए अवयव है सी का, तो इसमें देखिए ए उपसमुच्चय है बी का, तो हम ए बराबर एक और दो ले लेते हैं, तो B का क्या ले लेते हैं, देखिए B हो गया एक दो तीन ये चार ले लिया, तो इस प्रकार देखिए A के सभी अवयव B में उपस्थित हैं, तो इससे क्या हो गया A उपसमुच्चय है B का हो गया, ठीक ना। और हमको लेना है B अवयव है C का, तो C एक बना लेते हैं, तो इसके अंदर इस B का B को ना अवयव की तरह लिखेंगे, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यहाँ यहीं तक लिख लेते हैं, तीन ही ले लेते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे देखिए ये अवयव बना दिया B का, जो भी है B को ना हम यहाँ एक अवयव की तरह काम लिखा रहे हैं, तीन हो गया और ये चार और ये पाँच हो गया, ठीक ना, तो इससे हो जाएगा B अवयव है C का हो गया। तो देखिए वो क्या प्रूव करना है कि A क्या अवयव है C का, तो A का देखिए जो A है ये वाला क्या C के जो एक जब जो ये है ना ये पूरा A क्या C के समुच्चय के अंदर है क्या, तो C के अंदर देखिए क्या है पाँच है चार है और ये अवयव है, ठीक ना। अगर ये एक और दो ये पूरा अगर इसके अंदर आया होता तो हम बोलते A C का अवयव है, तो इस प्रकार देखिए A अवयव नहीं है C का, ठीक ना, तो C के अंदर क्या ये है क्या है ना, अवयव का मतलब जो भी है ये जो है क्या इसके अंदर है, तो देखा हमने देखा नहीं है, ठीक ना। यहाँ एक दो तीन ये अलग चीज होता है, ठीक ना, ये अलग है, ये B है, तो ये B है, तो ये इसके अंदर C ना C के अंदर B एक अवयव की तरह काम कर रहा है, चार एक अवयव है पांच एक अवयव है, मगर ये जो ब्रैकेट में एक दो ये जो लिखा है ये इसके अंदर नहीं है, अतः ए अब सी का अवयव नहीं है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये हो गया असत्य हो गया, ठीक ना। अब तीसरा और चौथा भाग देखते हैं। तीसरे में है यदि एक उपसमुच्चय हो बी तथा बी उपसमुच्चय हो सी का, तो क्या उपसमुच्चय ए उपसमुच्चय होगा सी का, तो इसे मान लेते हैं देखिए ए बराबर एक दो ले लिया और बी में क्या ले लें एक दो तीन ले लिया चार ले लिया, तो इस प्रकार ए के सभी अवयव बी में है, अतः इससे क्या हो गया ए उपसमुच्चय है बी का हो गया, तथा बी उपसमुच्चय है सी का, ठीक ना, बी का बी ना सी का भी उपसमुच्चय होना चाहिए, तो सी बराबर क्या लिख लेते हैं देखिए एक दो तीन चार पाँच छ,
ठीक ना। देखिए अवयव नहीं है ये उपसमुच है, इसका मतलब होता है, उपसमुच का मतलब होता है कि बी के सभी अवयव सी में उपस्थित होने चाहिए। तो देखिए बी का अवयव एक से लेकर चार तक, एक से लेकर चार तक, इस प्रकार बी सी का उपसमुच्य है। तो देखिए यहाँ भी प्राप्त हो गया ये बी उपसमुच्य है सी का। अब देखिए क्या हमको सिद्ध करना है, क्या ए उपसमुच्य है सी का? तो ए उपसमुच्य है सी का, इसका मतलब ए के सभी अवयव क्या सी में उपस्थित हैं? तो देखिए ए के अवयव कौन से हैं? एक और दो, और सी में एक दो उपस्थित है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, देखिए ए उपसमुच्य है सी का, तो ये सत्य लिखा हुआ है, ठीक ना, तो ये सत्य है। अब चौथा भाग देखते हैं इसका, तो चौथे भाग में है यदि ए उपसमुच्य नहीं है बी का तथा बी उपसमुच्य नहीं है सी का, तो ए उपसमुच्य नहीं होगा सी का। तो इसको देखते हैं, इसमें देखिए अगर ए बराबर या हम एक और दो ले लें और बी बराबर यहाँ ले लें तीन चार पाँच, तो इस प्रकार ए का कोई भी अवयव उपस्थित तो नहीं है इसके अंदर, बी के अंदर, तो इससे देखिए क्या हो गया, ए उपसमुच्य नहीं है बी का, ठीक ना। अब देखिए बी उपसमुच्य नहीं है सी का, तो देखिए सी बराबर हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक दो छः सात, यहाँ लिख लिया। तो अब देखिए इसमें क्या हो गया, क्या बी का कोई इसके बी के अवयव सी में उपस्थित नहीं है, तो इस प्रकार हो गया देखिए बी उपसमुच्य नहीं है सी का, ठीक ना। तो इससे ये देखिए इसमें क्या, अब इसको चेक करते हैं, तो देखिए ए क्या उपसमुच्य नहीं है सी का, तो ए के अवयव कौन कौन से हैं, एक दो, और सी के अवयव कौन से हैं, देखिए इसमें इसके अवयव एक दो यहाँ उपस्थित हैं, तो इससे देखिए ये देखिए ए उपसमुच्य है सी का, ठीक ना। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि यदि ए बी का उपसमुच्य नहीं है, बी सी का उपसमुच्य नहीं है, तो ये जरूरी नहीं होता कि ए सी का उपसमुच्य नहीं हो, ठीक ना। देखिए यहाँ है, तो इस प्रकार ये असत्य हुआ। तो अब इसके बाद अगला भाग देखते हैं इसका, देखिए पांचवा भाग है यदि यक्ष अवयव हो ए का तथा ए उपसमुच्य नहीं हो बी का, तो यक्ष अवयव हो बी का, ठीक ना। तो इसका भी ले लेते हैं, यहाँ देखिए यक्ष अवयव हो ए का, तो यक्ष बराबर एक अगर ले लें हम, तो यहाँ ए अगर समुच्चय बनाए तो इसमें एक और दो लिख लिया, तो देखिए यक्ष अवयव है ए का, है ना, यक्ष बराबर एक मतलब एक अवयव है ए का, ठीक ना। तो यहाँ लिख लेंगे यक्ष अवयव है ए का, क्योंकि यक्ष बराबर एक माने तो यक्ष अवयव है वन अवयव है ए का, ये तो हो गया। अब इसमें बोला है कि ए उपसमुच्य नहीं है बी का, तो हम बी का एक समुच्चय ले लेते हैं, तो लिखेंगे दो, यहाँ लिख लेते हैं तीन चार पाँच, ये लिख लिया। तो अब देखिए ए का अवयव बी में उपस्थित नहीं है, इसलिए हमको क्या प्राप्त हो गया, ए उपसमुच्य नहीं है बी का, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें क्या पता करना है कि क्या यक्ष जो है क्या बी का ये अवयव है, तो यक्ष क्या है, यक्ष बराबर एक, तो क्या एक बी के अंदर है क्या, देखिए यहाँ नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ ए नहीं है, तो इसका मतलब यक्ष अवयव नहीं है बी का। तो इस प्रकार हमको यहाँ यक्ष अवयव है बी का दिया है, और हमें प्राप्त क्या हुआ, यक्ष अवयव नहीं है, मतलब यक्ष मतलब एक, एक माने हैं, तो यक्ष अवयव ये एक बी का अवयव नहीं है, अतः यह असत्य हो गया, ठीक ना। और देखिए अगर यक्ष अगर ए का अवयव है और अगर ए बी का उपसमुच्य नहीं है, तो इसमें कोई कोई और प्रश्न बनता ही नहीं कि यक्ष अवयव होगा बी का, क्योंकि ये अगर ये अगर इसका उपसमुच्य होता तो ए के सभी अवयव बी में उपस्थित होते, मगर अगर ए बी का उपसमुच्य है ही नहीं, तो ए के अवयव तो बी के अंदर तो होंगे ही नहीं, और चूंकि यक्ष ए का अवयव है तो बी में तो आना ही नहीं है उसको, ठीक ना। इस प्रकार ये असत्य हो गया। अब ये छठवां भाग देखते हैं इसका, तो छठवें भाग में यदि
ए उपसमुच्चय है बी का तथा यक्स अवयव नहीं है बी का, तो यक्स अवयव नहीं होगा ए का, ठीक ना। तो इसके लिए हम देखें ए, इसको बना लेते हैं पहले। तो ए बराबर एक और दो, तो बी बराबर लिख लेंगे एक दो तीन। तो इस प्रकार ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, तो ये हो जाएगा ए। देखिए ए उपसमुच्चय है बी का ले लिया, ठीक ना। अब देखिए अगर यक्स बी में नहीं है, तो मान लिया यक्स बराबर कुछ मान लिया पाँच मान लिया, तो ये हो जाएगा यक्स अवयव नहीं है बी का, या पाँच अवयव नहीं है बी का। तो क्या बोल रहा है, क्या ये अवयव ए में होगा? तो अगर देखिए अगर ये ए बी का अगर उपसमुच्चय है, ठीक ना, तो अगर बी में कोई अवयव अगर नहीं है तो उसका कोई चांस नहीं है कि वो ए में भी अवयव होगा, ठीक ना। तो ये चीज़ को याद रखिएगा कि इसका कोई जरूरी नहीं। देखिए ए बी का उपसमुच्चय है, मतलब इसके सभी अवयव इसके अंदर हैं, इसका होना जरूरी होता है, इसके जो भी अवयव हों इसके अंदर हो। अगर देखिए अगर बी में अगर कोई अवयव नहीं है, तो इसका अगर इसका उल्टा देखें, तो बी में अगर अवयव नहीं है इसमें कोई चांस नहीं कि वो अवयव ए में हो, क्योंकि इसके सभी अवयव बी में होने चाहिए, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए अगर पाँच बी का अवयव नहीं है तो क्या हो गया, यक्स अवयव नहीं होगा ए का, मतलब पाँच नहीं होगा ए का अवयव, ठीक ना। तो ये सत्य है। इस प्रकार प्रश्न नंबर दो के सभी भाग हो गए।